नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और अभी बहुत मक्की भुट्टे आते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए कॉर्न पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। भुट्टे के पकौड़े बनाने के लिए इस तरह के ताज़े भुट्टे लेने हैं हमें। मैंने ये भुट्टे मार्केट से जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो मंगाए थे और उसको चाकू की मदद से इस तरह से ऊपर से छील दिया। और इसको छीलने से पहले एक बार भुट्टे को अच्छे से धो ले और इसके ऊपर जो रेशे होते हैं उसे हमें पूरी तरह से हटा लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ये भुट्टे जो है उसके दाने निकाल लिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्ची ली है, और साथ में ली मैंने लहसुन और अदरक। और अब हमें इन सबको पीसना है, तो हम अलग अलग पीसेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को एक साथ पीस लेंगे। और स्वीट कॉर्न को ये जो मिडल जार होता है मिक्सी का उसमें डाल के पीसेंगे, लेकिन इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा हल्का सा दरदरा ही करना है, इसको बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। तो सारा ही मैं इसके अंदर मिला लेती हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो भुट्टा हमने पीस लिया है और इसको इस तरह से हमें दरदरा रखना है, कहीं पर देखिए इस तरह से, बहुत बारीक नहीं करना है। तो अब हम इसे एक बर्तन में ले लेते हैं तो हमने भुट्टा जो कीस है वो पूरा इसके अंदर ले लिया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट मिला लेते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप करें, मैंने इसमें लहसुन मिलाया है। और साथ ही हम इसके अंदर मिलाएंगे हरा धनिया, तो हरा धनिया भी खूब सारा डाल देते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे बाइंडिंग के लिए बेसन, चने का आटा, तो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच में चने का आटा मिलाऊंगी। चने का आटा मिलाने से स्वाद बढ़ेगा और बाइंडिंग आएगी पकोड़े में। तो बेसन हमने मिला लिया है, अब मैं मिलाऊंगी इसके अंदर चावल का आटा। तो इसके अंदर लगभग 3 चम्मच में चावल का आटा मिला रही हूँ। चावल का आटा मिलाने से एक कुरकुरापन आता है इसके अंदर और बाइंडिंग में तो हेल्प करेगा ही। अभी मैं 3 चम्मच मिला रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं और मिलाऊँगी। अब इसमें हम दूसरे मसाले डालते हैं। तो मसाले में हम मिलाएँगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली है तो आप सोच समझ के ही लाल मिर्च डालें इसमें। और साथ ही हम मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लगभग आधा चम्मच से भी थोड़ा कम। और थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। और स्वाद अनुसार हम मिलाएंगे इसमें नमक। और अब इन सभी सामग्री को हमें आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है और पकौड़े का एक अच्छा घोल बेटर तैयार कर लेना है। तो मैं इन सब सामग्री को अच्छे से मिला लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और इसमें मुझे थोड़ा सा गीला ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा और मिलाया है। तो ये इस तरह से होना चाहिए कि हम जब इसके पकौड़े ऐसे डालें तो कढ़ाई में अच्छे से गिरने चाहिए, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रखना है हमें। तो घोल हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं। तो घोल हमारा एकदम तैयार है और इधर मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है, तो जैसे ही तेल गर्म होएगा हम पकौड़े बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर हरी मिर्ची तल लूँगी, पकौड़े के साथ में अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई करके मैं इसे बाहर निकालूँगी, उसके बाद में पकौड़े तलेंगे। इस तरह से तल ली है, अब पकौड़े डालते हैं तेल के अंदर। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर पकोड़े डाल लेने हैं। मैं थोड़े से बड़े रख रही हूँ पकोड़े, और उसके बाद में हम इसे, आप चाहें तो इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार तो ऐसे ही इसको डाल रही हूँ और थोड़ी मीडियम आंच के ऊपर इसे मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करके बाहर निकालूंगी। तो सारे पकौड़े डाल दिए हैं और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अगर आप डबल फ्राई करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे पहली बार में ही इसे क्रिस्पी होने दें। मैं इसे डबल फ्राई करूँगी तो एक बार मैं निकाल लेती हूँ। तो हमने सारे पकोड़े थाली में रख लिए हैं
और इधर देखिए गैस पे अभी भी तेल तेज आंच पे ही है, क्योंकि अब हम जब वापस डालेंगे तो हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, तो इसे तेज आंच पे अच्छा गर्म कर लेना है। और अब हम पकौड़े को हल्का सा प्रेस कर लेते हैं, तो आप हाथ से कर सकते हैं या आप इस तरह से कोई आपके पास में कुछ अगर हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी इसे थोड़ा सा हमें इस तरह से दबा लेना है, इससे क्या होगा कि जब ये दूसरी बार फ्राई होंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे पकौड़े दबा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे पकौड़ों को इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लिया है, और अब हम इसे वापस तल रहे हैं। तो हम इस तरह से इसे उठाएंगे और तेल में डालेंगे। तो अब ये हो गए हैं।